Hello, good morning students. In previous video we discussed about some characteristics of living beings, like that definite shape and size, organization, growth and development, metabolism, homeostasis, consciousness, adaptation, evolution, repair and regeneration, aging and final death. Now we discuss about metabolism. What is metabolism? It is the sum total of various biochemical reactions occurring in a cell. एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाबॉलिज्म का, एंड इट इज ऑल्सो ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वी कैन से दैट इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, बिकॉज दैट इन मेटाबॉलिज्म देर इज सम बिल्डिंग अप रिएक्शंस एंड ब्रेक डाउन रिएक्शंस अकरिंग इन ए सेल सो दैट मेटाबॉलिज्म इज ए स्पेशल एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म. Metabolism consists of two main reactions, anabolism and catabolism. Anabolism building up reactions, it is also called and catabolism is breakdown reactions. हमारे शरीर में हर समय निर्माणकारी क्रियाएं और विनाशकारी क्रियाएं दोनों सिंगल वन टाइम पर होती रहती हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं कंबाइनिंग फॉर्म में. इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं. इन हिंदी यू ऑल्सो हर्ड उपापचय. उपचय और अपचय दोनों की क्रियाओं को मिलाकर के क्या बनता है? उपापचय बनता है, जिसके फलस्वरूप हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं और बिल्डिंग अप रिएक्शन होते हैं, निर्माण होता है, वृद्धि होती, ग्रोथ होती है. नाउ वी डिस्कस what is anabolism. What is anabolism? Okay students, now anabolism, it is also called constructive metabolism. Anabolism is a type of a constructive word. It means construction, building of reactions, and it includes all the building of reactions. It includes synthesis of complex substances, example photosynthesis. You also know what is photosynthesis. इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण. प्रकाश संश्लेषण. ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है. अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको लेंगे. नाउ कैटाबॉलिज्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म. इसका मतलब डिस्ट्रक्शन होता है. Now in catabolism, it is also called a destructive metabolism. It includes all the breakdown reactions. It involves a breakdown of complex substances. जो पदार्थ होते हैं बड़े बड़े, जो हम building up reactions में बनते हैं और वो breakdown होते हैं, टूटते हैं. In the reaction, there is example like that respiration and digestion. डाइजेशन के अंदर हम जो फूड इनहेल करते हैं, फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं, पाचन होता है, वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूटता है एंड वी गेट न्यूट्रिशन इन द डाइजेशन. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट रिप्रोडक्शन. It is a formation of new individuals
ऑफ सिमिलर काइंड। What is reproduction? It is a formation of new individuals of a similar kind. अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। What is reproduction? It is the formation of new individuals of similar kind. जिस प्रजाति का जीव होता है वो उसी प्रजाति के नए जीवों को उत्पन्न करता है, और ये प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? जनन कहलाती है, प्रजनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड। नाउ इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स। ये आवश्यक नहीं है कि सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। बिना रिप्रोडक्शन के भी जो है जीव जाति सर्वाइव कर सकती है, रह सकती है इस जगह, ऐसा कोई नहीं है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, वो रिप्रोडक्शन करने के लिए सक्षम नहीं होते और वो सर्वाइव करते हैं। सो इट इज सो रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। टू मेन स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्शन आर लाइक दैट, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो डिफरेंट अपोजिट दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत पेरेंट्स जो हैं वो हमें चाहिए जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा पाते हैं। रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, वेयर एज मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। यदि इनफर्टाइल कपल्स भी होंगे या फिर ऐसे जीव जो जन्म नहीं कर सकते, उनके अंदर भी मेटाबॉलिज्म जरूर मिलेगा। इसी आधार पर हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, एंड वेयर एज रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। होमियोस्टेसिस इट इज मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन सुटेबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन। हमारे अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर है उस के साथ समस्थिति बनाए रखना, सभी ऑर्गन्स जो है इक्वल अपना फंक्शनिंग में रहें और इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा वो समान रहे, इसीलिए हम समतापी एनिमल्स जो होते हैं वो अधिकतर मोस्टली वर्टिब्रेट्स जो हैं समतापी होते हैं, अर्थात उनका इंटरनल टेम्परेचर जो होता है बॉडी टेम्परेचर वो समान रहता है। तो इट इज एक समस्थिति। इसको हिंदी में कहते हैं समस्थिति, होमियोस्टेसिस। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशन सुटेबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, जो बॉडी ऑर्गन के काम करने के लिए सुटेबल होता है। लाइक दैट थर्मोरेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना जो होता है थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। एंड ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट वाटर एंड आयोनिक लेवल ऑफ बॉडी, वाटर का लेवल हमारे बॉडी के अंदर कांस्टेंट रहे एंड आयोनिक लेवल जो है कांस्टेंट रहे, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। देर इज सम सिमिलर वर्ड लाइक दैट हीमोस्टेसिस, एच ए ई एम ओ एस टी ए एस आई एस, हीमोस्टेसिस मिलता जुलता शब्द है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। बिटवीन होमियोस्टेसिस एंड हीमोस्टेसिस इट इज द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, इट इज द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। लाइक दैट इसमें इट इज द